खराब और ये रुलिया। अभी 4 बज गए हैं और हमारे न्यू भैया गरबा की थकान की वजह से अभी तक सो रहे हैं। दोस्तों तो अभी हमारे न्यू भैया उठ गए हैं नींद से, अभी 6 बजने को आए हैं और अभी उठे हैं, तो अभी परोठा खाना है, तो अभी परोठा तो हमें बना तो देना ही पड़ेगा, तो अभी चलिए उसको परोठा बना देती हूँ और थोड़ा उसे फ्रेशनेस फील कराने के लिए नहाने के लिए भी भेज दिया है मैंने। अगर नहाएगा नहीं तो वो कहते हैं ना गारा जैसा, यानी कि सुस्ती वाला सर रहता है, और शाम को उसको गरबा खेलने जाना है, तो तब तक नींव है ना वो हमारे साथ अच्छे से बोलेगा भी नहीं और रहेगा भी नहीं, इसलिए नहाने भेज दिया है। अभी नह के आएगा तो अब तक तो मैं इसका परोठा बना दूंगी, क्योंकि अगर उसने खा पी लिया नहा लिया तो फ्रेशनेस आ जाती है, वैसे भी नहाने से तो फ्रेशनेस आ ही जाती है, तो ऐसा सब कुछ है हमारे न्यू भैया का। और हाँ, उससे हमारा जो वो ट्रेडिशनल रस होता है मणियारों वो करना है, वैसे तो करता है लेकिन कल सब लोग वो हमारा जो ट्रेडिशनल लुक है जोड़ी आंगड़ी खमीस वो सब तो उसे पहनना है, और उसके पास है नहीं। मेरे पास ये दिक्कत है कि अभी तक मैंने उसके लिए बनवाया नहीं, क्योंकि उसकी हाइट बढ़ती ही जा रही है, तो मैंने उसके लिए बनवाया नहीं है, और उसे पहनना है तो मेरे लिए ज़्यादा दिक्कत है। अगर मैंने 2-3 जगह पूछा है कि अगर नीव की साइज का अगर मिल जाए तो अच्छा रहेगा, वरना धमाल मचेगी, क्योंकि इसको मणियारा भी खेलना है और सब लोग हमारा ट्रेडिशनल जो कपड़े हैं चोड़ी बुस्कट आंगड़ी जो कुछ भी होता है वो पहन के आएंगे। कोई लोग चोड़ी के ऊपर बुस्कट पहनते हैं, कोई आंगड़ी पहनता है, तो अलग अलग लुक आता है, लेकिन अगर नीम के पास ना अवेलेबल हुआ और ना पहन पाया तो मेरी वोट लगने वाली है, क्योंकि उससे वो पहनना ही है, और मुझे कह रहा है कि अभी के अभी सिला के दो, तो मैं अभी के अभी कहाँ से सिला के दूँ, क्योंकि दर्जी भी एक दिन मैं सिल के नहीं देगा। वैसे आप लोगों को लगता होगा कि मैं यहाँ ऊपर नीचे क्या कर रही हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं कि उसके लिए पराठा बनाना है, तो सब कुछ प्रिपरेशन भी कर रही हूँ साथ साथ में। तो हमारे न्यू भैया का तो बस ऐसा ही चलता रहता है कि उसे इंस्टेंट सारी की सारी चीज़ें चाहिए होती है, और मुझे वो करके भी देनी पड़ती है, अगर नहीं दिया तो मेरा तो आप समझ ही सकते हैं कि राम ही राखे हमको। तो अभी उठा है तो कह रहा है कि तुम मुझे कभी परोठा ही नहीं बना के दे रही हो, तो मैंने सोचा कि चलो उसका कुछ मूड ठीक हो जाए तो मैं ये सब कर देती हूँ, वरना तो हमारा कुछ हो नहीं सकता नहीं भैया की वजह से, तो बना रही हूँ। अभी ये जो हमारा परोठा का कार्यक्रम खत्म हो जाएगा, उसके बाद शाम का खाना भी बनाना है फटोफट से, क्योंकि अगर जाना है नवरात्रि में तो फटोफट से ये सब करना तो होगा मुझे।
अभी देखिए परोठा हमारा रेडी हो चुका है। वैसे खाने तो हमारे न्यू भैया को ये एक और ये दो ही है। अब ये हमारे न्यू भैया नहा धो के रेडी हो चुके हैं। उसकी हर रोज कॉपी करनी पड़ती है, क्या क्या नहीं करना पड़ता है, किचन से घर, घर से किचन, यही करना पड़ता है हमको। तो अभी शहनशाह अकबर को खाना मिल जाएगा। अभी छूना मत, गरम है। अभी मैं इसमें डाल देती हूँ, तुम रहने दो। ले लो अभी रेडी। यहाँ बैठ के खाना है, वहां नहीं जाना। नीव अभी गरबा में जाने के लिए रेडी हो चुकी हूँ मैं, तो अभी जाएंगे। अभी ये हमारे न्यू भैया को है ना ब्रश करना नहीं है, 11 बजने को है, और सो के ब्रश हाथ में लेके बैठे हुए हैं माँ के पास। अभी ब्रश नहीं करना है। देखिए मस्ती मजाक चल रहा है। अभी विजय है वो रूलिए में ऑयल लगा रहे हैं और उसे फिट करना होता है अच्छी तरह से। तो अभी रणजीत और दोनों भैया ये रूलिया है वो ऑयल से फिट करने की तैयारियों में है। मुझे इसमें ज़्यादा तो कुछ पता नहीं होता है, लेकिन बस राप और रूलिए को एक साथ जॉइंट करने के बाद हमारी जो मूंगफली है उसे गिराया जाता है। तो अभी इसमें ऑयल डालकर उसे फ्री बनाया जाता है और फिट किया जाएगा। यानी कि अभी ये सारे पैर पार्ट है वो रूलिए में रखे जाएंगे। यानी कि गोल गोल जो रूलिया होता है, मीन्स के इसको गोल होता है इसलिए तो रूलिया बोलते हैं। तो अभी देखिए ये सारे स्पेयर पार्ट है उससे जॉइंट करके और राप के साइड तो जॉइंट करके फिर ट्रैक्टर में लगा देना होता है। अगर इसमें कुछ मिस्टेक हो तो सॉरी, क्योंकि मुझे इसमें ज़्यादा कुछ पता नहीं होता है ट्रैक्टर का। तो यही है सब कुछ। आजकल सीजन आ चुकी है मूंगफली की। देखिए ये राप और ये रूलिया दोनों ही दोनों तैयार हो चुके हैं हमारे ट्रैक्टर में, क्योंकि अभी अभी मूंगफली की सीजन आ चुकी है। तो अभी वाट पड़ने वाले हैं, यानी कि मूंगफली को गिराने वाले हैं। ऐसा रूलिया और राप से होता है, तो अभी इसको तैयार करना पड़ता है, वरना सीजन यानी कि 2-3-4 दिन बाद जो कुछ काम चलेगा तो फटोफट से ये नहीं होता काम है वो। तो इसको पहले प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो पहले विजय ने और रणजीत ने कर ली है, क्योंकि विजय के बड़े पापा है उसके यहाँ पहले मूंगफली है, वो उसके यहाँ जो हमें वाट करना होता है वो करना है फर्स्ट। तो हमारे यहाँ तो अभी देरी है, आई थिंक दिवाली के आसपास, क्योंकि उन्हें हमने जब बोई थी मूंगफली उनसे पहले उन्हें आई थिंक 20-25 दिन पहले मूंगफली को बो दिया था। तो अभी पहले 20-25 दिन पहले उनकी ये मूंगफली की सीजन आ गई है। तो अभी ओरा खाने को मिलेगा और बहुत ही मज़ा आएगा, और हम तो सारे मचाएंगे जयदीप भाई की भाषा में कहें तो। तो अभी हम हमारे केले भी दिखा देते हैं आपको। देखिए ये हमारे केले बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन अभी तो कच्चे हैं, वो भी पक्के नहीं हैं और ये भी कच्चे ही हैं। देखिए इस केले को भी बड़ी सी लूम हो चुकी है।
अभी ये बड़ी वाली लूम हो चुकी है, खाने के लिए रेडी है, लेकिन अभी पके नहीं हैं। तो हमारा यह वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आप सबको अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, और बेल आइकन कॉल पे सेट कर दीजिए। तो अभी नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय।